8th class. Beta, this is our chapter number 4, metal and non-metal. इसमें हम पढ़ेंगे metals क्या होते हैं और non-metals क्या होते हैं. Look around the room where you and you are now. अब जहां पर भी आप रूम में बैठे हैं ये वीडियो देख रहे हैं अपने आसपास देखिए. And quickly list the material you can see. और फटाफट लिख लीजिए क्या क्या material आपको दिख रहा है. ठीक है, सारी चीजों की लिस्ट बनाने के बाद अब क्या करना है. What do you notice? आपने क्या नोटिस किया? You can probably see metal, wood, various kinds of glass, windows and colorful plastic. आपने क्या देखा होगा अपने अराउंड? मेटल देखा होगा, वुड्स देखी होंगी, लकड़ी यानी ग्लास देखा होगा, विंडो देखा होगा, कलरफुल प्लास्टिक देखी होगी, एज वेल एज सॉफ्ट फर्निशिंग इन रग्स, कुशंस एंड मतलब जैसे सोफे होते हैं. ठीक है, ऐसे कपड़े जिनके अंदर कॉटन होती है, सॉफ्ट कुशंस होते हैं. ठीक है, कुशंस यानी जो आप तकिए वगैरह देखते हैं. ठीक है, क्लोथ्स वी आर वेयरिंग, कपड़े भी होंगे आपके आसपास. यू माइट नॉट स्पॉट सम ऑफ द मोर सटल मटेरियल सच एज कॉम्पोजिशन. ठीक है, मगर आप ऐसा मटेरियल नहीं देख पा रहे होंगे जिससे वो बना है, यानी किस चीज से बना है. आपने अपने रूम में देखा, पर्दा देखा. ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ आप क्या देख रहे हो, आप बोलोगे पर्दा, मगर आप ये नहीं बोलोगे कि मैंने ये देखा, फाइबर देखा कि इसके अंदर ये किससे बना हुआ है. ठीक है, लैमिनेट्स. ठीक है, कि लैमिनेट्स जो है, अगर शीट है, लैमिनेट मतलब जो प्लास्टिक कवर चढ़ा होता है, ये यानी जिस चीज से वो बेसिक चीज से बने होते हैं हम वो चीज नोटिस नहीं करते, हम जो मटेरियल फिनिश मटेरियल है वो नोटिस करते हैं. अब हम पढ़ते हैं एलिमेंट्स के बारे में. सबसे पहले इस चैप्टर में हम मेटल नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में और उनके यूज के बारे में. ये पूरा चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में. एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं. एंड एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू सिंपलर सब्सटेंस और बिल्ट फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंस बाय एनी ऑर्डिनरी केमिकल और फिजिकल मेथड. क्या है केमिकल, ये एलिमेंट क्या है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म है किसी भी मैटर का, यानी सबसे छोटा फॉर्म जो है, सबसे छोटी चीज जिससे कोई भी मैटर बनता है उसको हम एलिमेंट कहते हैं. और ये आगे फर्दर स्प्लिट नहीं हो सकता. ठीक है, सिंपलर फॉर्म में, सिंपलर सब्सटेंस में नहीं हो सकता बाय एनी ऑर्डिनरी केमिकल और फिजिकल मेथड. किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से हम इसको और बांट नहीं सकते. देयर आर 118 एलिमेंट नोन टू अस. और आज के समय में हमें 118 एलिमेंट जो है पता है. वेयर 92 आर नेचुरली अकरिंग और 92 जो है हमें नेचर से मिले हैं. व्हाइल द रेस्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली. और बाकी बचे हुए वो क्या है, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है, यानी हमने बनाए हैं, नेचर से हमें नहीं मिले हैं. एलिमेंट आर फर्दर क्लासिफाइड इंटू मेटल एंड नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, कुछ हमें नेचुरल मिले हैं, कुछ आर्टिफिशियल. एक तो ये क्लासिफिकेशन हो गया मेटल्स का. दूसरा क्या है कि कुछ को कहते हैं मेटल, कुछ को कहते हैं नॉन मेटल और कुछ को कहते हैं मेटलॉइड्स. ठीक है, यानी नाम के ऊपर हमने ये मेटल कौन से होते हैं, नॉन मेटल कौन से होते हैं, मेटलॉइड कौन से होते हैं, ये आगे पढ़ेंगे. अभी हमने सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ा है. ऑफ द 118 नोन एलिमेंट ओनली 21 आर नॉन मेटल. 118 में से सिर्फ 21 ही ऐसे हैं जो नॉन मेटल है. ठीक है, मेटल्स. अब मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं. एक्चुअल में होता क्या है, चैप्टर में हमारे चैप्टर का नाम है मेटल्स नॉन मेटल्स. मेटल होता क्या है, ठीक है, ये पढ़ेंगे. ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन विच फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड मेटल. सारे एलिमेंट हाइड्रोजन को छोड़कर, सारे एलिमेंट जो पॉजिटिव आयन्स बनाते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर, ठीक है, जब हम उसको रिएक्ट करते हैं किसी केमिकल के साथ उसी को मेटल बोलते हैं. क्या होता है कि मेटल्स कौन से होते हैं, जब वो किसी केमिकल के साथ रिएक्ट करते हैं. रिएक्ट करने का मतलब जैसे कोई केमिकल को हम साथ में मिलाते हैं, ठीक है, कभी बर्न करके, ठीक है, कभी उसको हीट पर लगाकर. तो हम क्या करते हैं, जब दो केमिकल्स को मिलाते हैं और वो अपने इलेक्ट्रॉन्स मतलब वो पॉजिटिव आयन्स, दो तरीके के आयन्स बनाता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और अगर वो पॉजिटिव आयन्स बना रहा है और उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज कर रहा है तो उसी को मेटल बोलते हैं. व्हेन मेटल आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, जब मेटल जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, यानी क्योंकि पॉजिटिव आयन ये बना रहा है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं. दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय ब्राइट लस्टर, हार्डनेस, एबिलिटी टू रेसोनेट साउंड एंड आर एक्सलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो मैटर क्या होते हैं, ब्राइट होते हैं, चमकदार होते हैं, लस्टर होते हैं, ठीक है, लस्टर और हार्ड होते हैं, उनमें साउंड
का जो ट्रैवल है वो और कैसे वो एक्सेलेंट कंडक्टर ऑफ हीट, यानी हीट के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के भी, ठीक है, उन्हीं को मेटल बोलते हैं और मेटल की प्रॉपर्टीज ही ये होती है। मेटल आर सॉलिड अंडर नॉर्मल कंडीशन एक्सेप्ट मर्करी। मेटल जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, यानी ठोस फॉर्म में होते हैं। सिर्फ मर्करी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर मतलब नॉर्मल कंडीशन जो होती है, ठीक है, जैसे अभी हम जिस मौसम में बैठे हैं और आप नॉर्मल पानी फिल्टर से ले रहे हो, ना उसमें बर्फ डाल रहे, ठीक है, ना उसको बॉइल कर रहे, तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे चीज होगी। अब आते हैं नॉन मेटल पे। अब नॉन मेटल कैसे पता चलता है? एलिमेंट्स दैट टेंड्स टू गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म एनियंस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। अब ये क्या करता है, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव आयंस बना रहा था और इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था, नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, यानी लेते हैं। ये लूज कर रहा था, छोड़ रहा था, और ये नॉन मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, ठीक है। जब केमिकल रिएक्शन होता है इनके साथ, इन्हीं को नॉन मेटल कहते हैं। दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये थे इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव। दे आर नॉन लस्ट्रस, लस्ट्रस नहीं होते, बीटल होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसके ऑपोजिट होते हैं, सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट जो है वो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, गुड कंडक्टर, मतलब उसमें से इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, हीट पास हो जाएगी, ठीक है। ऐसे नॉन मेटल कैन बी गैसियस, लिक्विड और सॉलिड। नॉन मेटल जैसे ये तो सॉलिड होते हैं सिर्फ मर्करी को छोड़ के, ये गैसियस भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं, तीनों फॉर्म में हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल की, कि क्या प्रॉपर्टी होती है मेटल की और नॉन मेटल की, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या होती है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल की, लस्टर, ठीक है। लस्टर क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच इज प्योर स्टेट यूजुअली शाइन्स, यानी लस्टर का मतलब होता है जब कोई अपनी स्टेट में होता है, प्योर स्टेट में होता है, वो शाइन करता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लस्टर, यानी वो लस्ट्रस है। अगर कोई लस्ट्रस है तो वो चीज क्या करेगी, शाइन करेगी। द शाइन ऑन द मेटालिक सर्फेस इज मेटालिक लस्टर, जो मेटल की सरफेस पे शाइन होती है उसको मेटालिक लस्टर बोलते हैं। दे शाइन इन लाइट ड्यू टू द रीजन दैट द मेटल पोजेस फ्री इलेक्ट्रॉन दैट वाइब्रेट्स ऑन गेटिंग इन कॉन्टेक्ट विद लाइट। क्या होता है, वो शाइन करती है जब उस पर लाइट पड़ती है, किस रीजन से, कि मेटल जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन, मेटल पोजेस उसके अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो वाइब्रेट करते हैं जब लाइट के कॉन्टेक्ट में आते हैं, ठीक है। मेलिएबिलिटी, अब मेलिएबिलिटी क्या होती है, मेलिएबिलिटी रेफर्स टू द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बीटल इन टू थिन शीट, यानी मेलिएबिलिटी, यानी जब आप उसको पीटोगे तो उसको थिन पतली शीट्स में बना सकते हो, इसको बोलते हैं मेलिएबिलिटी। वन सच एग्जाम्पल इज सिल्वर मेटल बीटल टू मेक सिल्वर फॉइल यूजिंग फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। और एक इसका क्या एग्जाम्पल है, मेटल को बीट करके आप इतनी पतली सिल्वर की चांदी की फॉइल बना लेते हो जो स्वीट्स के ऊपर आप लगाते हो, वो भी एक मेटल होता है जो हम खाते हैं, ठीक है। अब डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी रेफर्स टू द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय वर्च्यू ऑफ विच दे कैन बी ड्रॉन इन टू थिन वायर्स। डक्टिलिटी यानी पतली वायर्स में भी आप इसको बना सकते हो, जैसे कॉपर हो गया, आयन हो गया, इसकी हम पतली पतली वायर्स बनाते हैं। कंडक्टिविटी, अब कंडक्टिविटी क्या होता है, द मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो है गुड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। दे कैन पास थ्रू देम, यानी हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही चीजें इसके अंदर से पास हो सकती हैं। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर सिल्वर एंड कॉपर। जो बेस्ट कंडक्टर यानी जिसमें सबसे अच्छे से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, वो कौन कौन से मेटल है, सिल्वर और कॉपर। हाउएवर लीड्स द मर्करी आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी लीड नहीं है, ये लेड है। लेड और मर्करी जो है वो बहुत ही ज्यादा पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। दे ऑल्सो हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट केसियम एंड गैलियम, और बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होता है, यानी जरा से टेम्परेचर पे ही ये मेल्ट करने लग जाते हैं, ठीक है बेटा, जरा से टेम्परेचर पर ही ये मेल्ट करने लग जाते हैं, ठीक है। सिर्फ सीजियम और गैलियम ही ऐसी चीज होती है जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये जल्दी से मेल्ट नहीं हो पाते, ठीक है। अब इसके बाद है सोनोरस, यानी ऑन बीइंग स्टक हार्ड द मेटल प्रोडक्ट अ रिंगिंग साउंड, यानी जब आप बजाते हो सोनोरस मतलब, तो वो एक जब भी उसके ऊपर
कोई और मेटल मारोगे तो बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करेगा, बहुत जोर से बजेगा। आपके स्कूल की जो बेल्स वगैरह होती है वो सब मेटल की बनी होती है, इसलिए वो बहुत जोर से शोर करती है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी दे कैन कॉल्ड सोनोरस, और इसी प्रॉपर्टी के कारण इनको सोनोरस बोला जाता है। यहाँ पर आपको वही बेल का एग्जाम्पल दिया हुआ है। सॉलिड यानी एक्सेप्ट फॉर मरकरी, ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, ठीक है। मरकरी जो है वो लिक्विड रहती है रूम टेम्परेचर पे। एक्सेप्शनल मेटल्स आर सोडियम पोटेशियम मरकरी, ठीक है। ये तीनों सोडियम पोटेशियम और मरकरी जो है ये एक्सेप्शनल है, यानी सॉलिड नहीं रहते। द मेटल लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर इजीली कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ, यानी ये सोडियम और पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इसको नाइफ से अगर काटोगे तो कट जाएगा, बाकी मेटल्स ऐसे नहीं होते, ठीक है बेटा। तो हमारी जो प्रॉपर्टीज है वो यहीं पर फिनिश होती है। इसके बाद हम नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, या हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।